नमस्कार, खबर की तहत में आपका स्वागत है और मैं हूँ आरती। खबर इंदौर के देपालपुर से। लंबे इंतजार के बाद मंगलवारिया मवेशी बाजार शुरू, व्यापारी एवं ग्राहकों में खुशी की लहर। कोरोना के लगभग 18 माह बाद मंगलवारिया मवेशी बाजार पर लगा ग्रहण अब समाप्त हुआ। मंगलवारिया बाजार शुरू करने की मांग व्यापारियों द्वारा कई बार SDM रवि कुमार सिंह, तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह, नगर परिषद CMO चंद्रशेखर सोनी एवं क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल से मांग की थी। क्षेत्रीय विधायक ने कलेक्टर एवं अधिकारियों से चर्चा कर मंगलवारिया मवेशी बाजार शुरू करने की पहल की, जिससे मवेशी व्यापारियों एवं किसानों को मवेशी खरीदने बेचने में सुविधा होगी। ज्ञात रहे कि देपालपुर का मवेशी बाजार इंदौर संभाग में सबसे बड़ा बाजार लगता है, जिसमें इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, कानगन आदि स्थानों से व्यापारी एवं किसान मवेशी बेचने खरीदने आते हैं। नगर परिषद का आय का स्रोत भी यही रहता है। इससे नगर परिषद की आर्थिक स्थिति मजबूत, किसानों को अपने मवेशी का उचित मूल्य भी प्राप्त होगा। बाजार को प्रारंभ करने की नगर परिषद द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है। लॉकडाउन के समय 208 बाजार हमने प्रतिबंधित कर दिया था। लगभग 4-5 महीने 208 बाजार बंद रहा, तो इसकी प्रक्रिया 3-4 हफ्ते से हम शुरुआत कर रहे थे कि इसको प्रारंभ किया जाए। कुछ व्यापारी भी आए थे हमारे पास, HM साहब के पास भी गए थे, फिर कलेक्टर महोदय द्वारा जो इसकी रजामंदी दी, तो HM साहब ने इसकी स्वीकृति दी। आज हमने चालू करा है। इसके हमने 2-3 दिन पहले तैयारी भी कर ली थी। जो हाट में कचरा पड़ा हुआ था उसको साफ कराया, जहाँ पर कीचड़ था वो मोरम डाले। अभी हम हाट में घूम के आए तो कुछ अभी भीड़ कम दिखी है, क्योंकि शुरुआती हाट है। संभवतः अगले मंगलवार से पूरी तरह से जो पिछले जब बराता था उस समय का हाट अपने को पुनः देखने को मिलेगा। हाँ, हमने कोविड गाइडलाइन के पालन के लिए लगातार इसका मुनादी भी चलाई है। कुछ मास्क लगा के लोग नहीं घूम रहे थे, तो उनसे भी हमने टोका टाके, आज तो टोका टाके करी, कोई चालानी कार्रवाई नहीं काटी हमने। अगले मंगलवार से हम थोड़ा सख्ती से कार्रवाई करेंगे। नाम सर? मैं चंद्रशेखर सोनी, CMO देपालपुर।